आवाज जहां जहां भी जा रही है, आप हजरात से इल्तिमास है कि मास्टर अली इमाम साहब के इमाम बारगाह में जल्द से जल्द तशरीफ लाएं ताकि मजलिस शुरू की जाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। सख्त सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मुझे मां की दुआओं का असर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मुझे मां की दुआओं का असर लगता है। और एक लम्हे को मेरी मां नहीं सोई जिस दम, मैंने बस इतना कहा था मां मुझे डर लगता है, मैंने बस इतना कहा मां मुझे डर लगता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद, चार मिसरे है अली वालों मंजर कब्र में है अली वालों की एक नूरानी मंजर कब्र में। अरे खुद मलक भी कर रहे जिक्र है दर कब्र में, खुद मलक भी कर रहे हैं जिक्र है दर कब्र में। तीसरा चौथा बतौर खास, खुद मलक भी कर रहे हैं जिक्र है दर कब्र में। तो मरने वाला इश्क है दर में कभी मरता नहीं, अरे बादशाहों की तरह सोता है अंदर कब्र में, बादशाहों की तरह सोता है अंदर कब्र में। मरने वाला इश्क है दर में कभी मरता नहीं, बादशाहों की तरह सोता है अंदर कब्र में। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। कि लोग ये सोचते हैं होता है क्या मौत के बाद, लोग ये सोचते हैं होता है क्या मौत के बाद, लोग ये सोचते हैं होता है क्या मौत के बाद। हम अली वालों को मिलता है मजा मौत के बाद, हम अली वालों को मिलता है मजा मौत के बाद। जिंदगी जीते हैं जिस आस में हम अहले विला, जिंदगी जीते हैं जिस आस में हम अहले विला, आते हैं शेर खुदा जेर लहद मौत के बाद, आते हैं जेर लहद शेर खुदा मौत के बाद। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। एक मशहूर और मारूफ नज़्म जनाब रजा सिरसवी साहब की जो सारी दुनिया में मशहूर हुई, इस नज़्म के जरिए से
वो पहचाने गए और उनके भी इसाले सवाब के लिए और जिस मरहुमा की ये मजलिस मुनक्किद की गई है उनके भी इसाले सवाब के लिए खुदा गरी के रहमत करे उन्हें। क्या मर्तबा है माँ का, ओढ़ती है गुरबतों का खुद ये बोसीदा कफन, ओढ़ती है गुरबतों का खुद ये बोसीदा कफन, अरे चाहतों का पैरहन बच्चे को पहनाती है माँ, मौत की आगोश में। ये भी शेर बतौर खास के भूखा रहने ही नहीं देती यतीमों को कभी, भूखा रहने ही नहीं देती यतीमों को कभी, जाने किस किस से कहाँ से मांग कर लाती है माँ, रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, मौत की
क्या शेर है खुदा कसम। कब जरूरत हो मेरे बच्चे को इतना सोच कर, कब जरूरत हो मेरे बच्चे को इतना सोच कर, जागती रहती है आंखें और सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, अरे फिक्र के शमशान में आखिर चिताओं की तरह, फिक्र के शमशान में आखिर चिताओं की तरह, जैसे सूखी लकड़ियां इस तरह जल जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, अरे प्यार कहते हैं किसे और मामता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और मामता क्या चीज है, अरे कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। एक मरतबा सूर्य हम्द और तीन मरतबा सूर्य कुल अल्लाह की तलावत फरमा कर फिरोज़ा खातून मरहुमा बिनते गुलाम हुसैन मरहूम, ज़ेबा फ़ातिमा मरहुमा बिनते सैयद इसरार हुसैन मरहूम को इसाल कर। बावज बोले नारे सलवात। एक मतला दो तीन शेर माँ के शान में समात फरमाए। किस कदर आला है दुनिया में तेरा किरदार माँ, किस कदर आला है दुनिया में तेरा किरदार माँ, चूमते हैं पाँव आके अंबिया हर बार माँ, चूमते हैं पाँव आके अंबिया हर बार माँ। तो शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि कैसे हो दीदार दुनिया में तेरा एक बार माँ, कैसे हो दीदार दुनिया में तेरा एक बार माँ, याद करते हैं तुझे घर
के दरो दीवार माँ, याद करते हैं तुझे घर के दरो दीवार माँ। तुले के बच्चों को खुद अपनी मामता की गोद में, लेके बच्चों को खुद अपनी मामता की गोद में, प्यार करती है हमेशा चूम के रुखसार माँ, प्यार करती है हमेशा चूम के रुखसार माँ। तो आपके जाने से आँखों में अंधेरा छा गया। दो माह के साले सवाब की मल्दी शेर मुलाजा फरमाए कि आपके जाने से आँखों में अंधेरा छा गया, आपके जाने से आँखों में अंधेरा छा गया, अब तो अपनी हो गई है जिंदगी बेकार माँ, अब तो अपनी हो गई है जिंदगी बेकार माँ। तो भर के बच्चों में हमेशा जज्बे ईसार को, भर के बच्चों में हमेशा जज्बे ईसार को, है सुनाती दास्ताने मी समेत अम्मार माँ, है सुनाती दास्ताने मी समेत अम्मार माँ। तो खुद को तो रखती रही यूं जिंदगी की धूप में, खुद को तो रखती रही यूं जिंदगी की धूप में, और बच्चों के लिए थी साये दीवार माँ, और बच्चों के लिए थी साये दीवार माँ। तो रह के खुद भूखी हमेशा मामता की आड़ में, रह के खुद भूखी हमेशा मामता की आड़ में, जिंदगी करती थी बच्चों के लिए हमवार माँ, जिंदगी करती थी बच्चों के लिए हमवार माँ। तो हड्डियों, ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि हड्डियों का रस पिला के अपने दिल के चैन को, हड्डियों का रस पिला के अपने दिल के चैन को, है बनाती गोद में सरवर का मातमदार माँ, है बनाती गोद में सरवर का मातमदार माँ। तो चल बसी बच्चों को अपने छोड़ कर सुए जिना, चल बसी बच्चों को अपने छोड़ कर सुए जिना, याद आएगी जहां में साहेबे किरदार माँ, याद आएगी जहां में साहेबे किरदार माँ। तो हर घड़ी गम खार रोते हैं यही कहते हुए,
हरी घड़ी मम खार रोते हैं यही कहते हुए, उम्र भरी तरसेंगे करीने को तेरा दीदार माँ, उम्र भर तरसेंगे करीने को तेरा दीदार माँ। तो बेटा बेटी शेर मुलाजा फरमाए कि बेटा बेटी रोते हैं मर हुमा के कहते हुए, बेटा बेटी रोते हैं मर हुमा के कहते हुए, थी हमारे वास्ते एक साये दीवार माँ, थी हमारे वास्ते एक साये दीवार माँ। सवाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, थी हमारे वास्ते एक साये दीवार माँ। तो हमने खुद आँखों से देखा है शबे आशूर को, हमने खुद आँखों से देखा है शबे आशूर को, करती थी बच्चों का अपने हौसला बेदार माँ, करती थी बच्चों का अपने हौसला बेदार माँ। तो जब गला कटने लगा था दश्त में शबीर का, जब गला कटने लगा था दश्त में शबीर का, सामने आके खड़ी एक इज्जतदार माँ, सामने आके खड़ी थी एक इज्जतदार माँ। तो फातिमा जहरा के कहते थे जनाजे पर हुसैन, फातिमा जहरा के कहते थे जनाजे पर हुसैन, जाते जाते अब जबान से बोल दो एक बार माँ। الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والمخاطب بطه وياسين والصاحب الدين الظاهر والزمان الباهر واللسان الذاكر والقلب الشاكر والأبائي الأخابر والأمهات التواهر والنبي الممجد والرسول المسدد، سميا في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. Allah'a emanet olun.
محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم والدافع الوباء والبلاء والألم واسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم وجسمه مطهر مقدس منور في البيت والحرم شمس الزهى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم صاحب الجود والكرم والله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه والقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد النبيين شفيع المذنبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات پڑھیے الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين غر الميامين آمين الذين عذب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فیروزہ خاتون بنت غلام حسین اور زیبا فاطمہ بنت سید اسرار حسین مرحوم کی روح کو اظہار فرمائیں. برادران عزیز اور سامعین محترم, سورہ اعراف میں ارشاد پروردگار ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنا کرو. اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, پوری توجہ سے سنا کرو, اتنی توجہ سے کہ پڑھنے والے کو یہ نہ کہنا پڑے کہ توجہ, اس لیے کہ یہ کلام باری ہے, کلام مخلوق نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد. اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, توجہ سے سنا کرو, ون سے تو اور خاموش رہا کرو, اس لیے کہ حاکم گفتگو کر رہا ہے. اب اس میں ادھر ادھر تاکنا زیب نہیں دیتا, کیوں؟ اگر تم نے ایسا کیا یعنی توجہ سے سنا اور ادب سے سنا تو لعلکم ترحمون, امید کہ تم پر روز قیامت رحم کیا جائے گا.
जो यहाँ अदब से कलाम बारी सुनने का आदि है उसके साथ वहां भी एहतराम से पेश आया जाएगा। सलवात पढ़िए महामारी वाले, एहतराम किया करो। इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिलहू, हाँ वन से तू खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्यों पूरी तवज्जो से सुना जाए कुरान को, इसलिए सुना जाए कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें शुभा है शक है कि ये कलाम अपने रब की तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है, तो तुम इस जैसा कोई सूरा बना कर ले आओ। फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तुम इस जैसा कोई सूरा बना कर ले आओ। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो तुम कोई सूरा बना कर ले आओ। ऐ इंसान तवज्जो से सुन, इसलिए कि ये कुरान है, कलाम बारी है, मोजज़ा है। तू इस जैसा सूरा बनाकर नहीं ला सकता, और तेरी औकात क्या है। कुल लैन इश्तमातिल इंस वल जिन, अगर तेरे साथ जिन्नात भी शामिल हो जाएं, अला अय्यातु बिमिस्ल हाज़ल कुरान, और तू और जिन्नात दोनों मिलकर कोशिश करें कि कुरान जैसा कोई कुरान ले आए। ला यातूना बिमिस्लिही, तो कुरान तो दूर की बात, उसकी मिसाल भी नहीं ला सकता। सलवात पढ़िए मुहम्मदी वाले, मिसाल और हकीकत में फर्क हुआ करता है। कुरान हकीकत, तू इसकी मिसाल भी नहीं ला सकता, उस जैसा भी नहीं ला सकता है। अला अय्यातु बिमिस्ल हाज़ल कुरान, और इसलिए तवज्जो से सुनाकर कि लौल अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर मैं इस कलाम को पहाड़ पर नाज़िल कर देता तो पहाड़ भी खौफ खुदा से रेजा रेजा हो जाता। मिन खशियतिन लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु, तू देखता कि खौशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि खशियत इलाही से खौफ खुदा से पहाड़ भी रेजा रेजा हो रहा है, पहाड़ भी जगह छोड़ रहा है। ये वो कलाम बारी है, ये वो मोजज़ा है कि अगर पहाड़ पर उतर जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। आयत सामने है, कुरान की आयत है, मगर समझ में नहीं आता कि आखिर ये आयत पहाड़ पर उतरती तो पहाड़ कैसे रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जान लीजिए कि इस्म और मुसम्मा, कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुदा नहीं है। रोज़े मुबाहला अहले बैत ने बताया, जब अहले बैत को देखा तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये इशारे कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले राम, अनज़लना लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। क्यों, अनज़लना अलैकुम नूरम मुबीना, हमने इस कलाम को नूरे मुबीन बनाकर नाजिल किया है। नूरे मुबीन यानी खुला खुला नूर, बिल्कुल वाज़े नूर बनाकर। अनज़लना अलैकुम नूरम मुबीना, नूरे मुबीन बनाकर नाजिल किया है। ये कलाम नूर है, इसलिए गौर से सुना करो, तवज्जो से सुना करो, खामोश रहकर सुना करो। अनज़लना अलैकुम नूरम मुबीना, नूरे मुबीन बनाकर नाजिल किया है। और नूर की खासियत क्या होती है, फतलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबले जालहु दक्कम व खर्रा मूसा सैका, और जब इस नूर की हल्की सी छूट, कामिले नूर नहीं, मुकम्मल नूर नहीं, इस नूर की हल्की सी छूट, हल्की सी किरण कोहे तूर पर पड़ी,
तो कोहे दूर रेजा रेजा हुआ, वह मूसा सैका और मूसा बेहोश हो गए। फलम्मा फाका और जब होश आया तो कहा काला सुभान का, बस तस्वीर तेरे ही लिए है, पाकीजा है तेरी ही जात, तुम तो इलैका मैं बाज आया। वह अव्वलुल मोमिनीन और मैं पहला मोमिन हूं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला, मैं पहला मोमिन हूं। कोहे तूर पर जाकर नूर की छूट देखकर जो होश में आ जाए वो पहला मोमिन कहलाता है, और जो नजरों के सामने पूरी कायनात को रख दे वो अमीरुल मोमिनीन कहलाता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद इमाम। فَلَمَّا تَجَلَّ رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى فَلَمَّا فَاقَ جب ہوش آیا قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ عَلَيْكَ باز آیا انا اول المؤمنین میں پہلا مومن ہوں۔ غور سے سنا کرو کیوں، اِنَّا لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس لیے کہ اس قرآن کو اللہ نے پہاڑ پر نازل نہیں کیا، جنگل میں نازل نہیں کیا، اس قرآن کو دریا پر نازل نہیں کیا، اس قرآن کو بیابان میں نازل نہیں کیا، کہاں نازل کیا؟ اِنَّا لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، ڈائریکٹ ہمارے رب نے اس قرآن کو قلب محمد پر نازل کیا، قلب محمد پر نازل کیا۔ تو آپ نے محسوس کیا، پیچھے آپ نے غور کیا کہ جس اس نور کی ہلکی سی چھوٹ کا اثر یہ ہو، اس نور کی ہلکی سی چھوٹ کا اثر ہو کہ ہیبت موسیٰ بے اثر ہو جائے اور موسیٰ کو غش آ جائے، وہ کامل نور قلب محمد پر نازل ہو رہا ہے، نہ ہمارے محمد کے ہوش میں فرق آ رہا ہے نہ جوش میں فرق آ رہا ہے۔ تو جب قرآن جیسے عظیم نور کا نزول ہمارے نبی کے ہوش اور قلب میں کوئی فرق پیدا نہ کر سکے، جس کا تاب پہاڑ نہ لا سکے، حیبت موسیٰ نہ لا سکے، تو بتائیے اس محمد عربی پر ہلکا سا بخار کیا اثر کر سکتا ہے، ہلکا سا بخار کیا اثر کر سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ ہزیان ہو گیا، میں دادے سے کہتا ہوں کہ ہزیان ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ نہیں ہوا تھا، اعلان غدیر کے بعد امت کو ہزیان ہو گیا تھا، جو اپنی کھیس مٹانے کے لیے پیغمبر پر الزام دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ تجل ربہ للجبل جعلہ دکا، غور سے سنا کرو قرآن، اذا قرئ القرآن فاستمع له، غور سے سنا کرو، اس لیے کہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ان القرآن على اربعۃ اشیاء، قرآن کے چار ستون ہیں، قرآن چار رکن پر ہے، قرآن کی چار پرتیں ہیں، ان علوم القرآن على اربعۃ اشیاء، اس کی چار پرتیں ہیں، العبارت والاشارت واللطائف والحقائق، اس میں عبارت ہے، اس میں اشارے ہیں، اس میں لطائف ہیں اور اس میں حقائق ہیں۔ لیکن جان لو فالعبارت للعوام، عبارت عوام کے لیے ہے، والاشارت للخواص، اشارے خواص کے لیے ہیں، واللطائف للاولیاء، لطائف اولیاء کے لیے ہیں، والحقائق للانبیاء، اور حقائق انبیاء کے لیے ہیں۔ امام حسین نے سب کی حدیں بتا دیا ہے کہ عوام کی حد عبارت ہے، خواص کی حد اشارے ہیں، اولیاء کی حد لطائف ہیں، انبیاء کی حد حقائق ہیں۔ اے کاش ہم سب اپنی حدوں کو پہچان لیتے تو کوئی وسیم رضوی نہ بنتا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔
कुरान वो है कि जिससे उलूम के सर चश्मे फूटा करते हैं, जितने उलूम हैं उसके सोते कुरान से निकल रहे हैं। लौकाना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, इस आयत ने ए इल्मे कलाम के सोते फोड़े के अगर एक खुदा होता, लौकाना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, एक अल्लाह के अलावा और खुदा होते तो क्या होता, तो क्या होता, हम लाठी निकाल कर मार करने लगते, कैसी बात कर रहे। नहीं, कुरान ने बताया कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, ये एक सवाल है, इसका जवाब में लाठी नहीं चलेगी, दलील के जरिए गुफ्तगु की जाएगी। अब जब दलील के जरिए गुफ्तगु की जाने लगे तो उसे इल्मे कलाम कहा जाएगा, इल्मे कलाम के सोते फूटे कि सुनो, अगर दो खुदा होता तो दो सूरज होते, दो चांद होता, दो जमीन होती, दो आसमान होता, दो निजाम होता, दो कायनात होती, लेकिन एक होना, सब कुछ एक होना, सब कुछ हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात मुझे याद आ गई और बड़ी कीमती बात है, नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं, बड़ी तवील गुफ्तगू है, चींटी पर खुतबा है मौला का, ओ मुनासिब मौका नहीं है, गुफ्तगू दो सितम निकली हुई, लेकिन इशारे में अरबाब फहम बैठे हुए हैं, हुसैनगंज का जीरक मजमा है, शायद इस बात को महसूस कर लें जो मौला कहना चाहते हैं। कसम ब खुदा, रात में आपकी जब नींद टूटेगी तो आप वह कहेंगे कि मौला ने क्या कहा और किस तरफ इशारा करा। का लौ जोरे बत, लौ जोरे बत, अगर तुम सारे उलूम को एकजा कर लो, लौ जोरे बत उलूमों का, सारे उलूम को एकजा कर लो। हमारा विडंबना क्या है, जो जूलोजी जानता है वो बोटेनी नहीं जानता, जो बोटेनी जानता है वो इल्म तबकातुल अर्ज नहीं जानता, जो इल्म तबकातुल अर्ज जानता है वो इल्म हयात नहीं जानता। कहा कि अगर तुम सारे उलूम को एक जगह जमा कर लो, बोटेनी को, जूलोजी को, जोग्राफिया को, इल्म तबकातुल अर्ज को, इल्म है जितनी तरह के उलूम है सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, और वो सारे उलूम अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए और उसके बाद तुम गौर करोगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जो चूंटी का खालिक है वही खजूर का खालिक है। इसलिए कि जब एक एक कंपनी का कोई माल बनकर आता है तो उसमें कहीं ना कहीं मुमासलत पाई जाती है। अरे जो लोग जानते हैं एलजी, सैमसंग, जो लोग जानते हैं, तो एलजी जितने भी माल बनाए, जितनी भी किस्म की टीवी बनाए, मोबाइल बनाए, मगर उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका वो है बदला हुआ निज़ाम हो कि ये फला फीचर था फला, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मुमासलत होगी, कहीं ना कहीं उसमें एकसानियत होगी। नोकिया का चाहे जितना भी ब्रांड आ जाए, लाख वाला हो या 10,000 वाला हो, कहीं ना कहीं उसमें एकसानियत होगी। सैमसंग के जितने भी ब्रांड आ जाए उसमें कहीं ना कहीं एकसानियत होगी। तो अगर कोई ऐसा माहिर जो इल्मे जूलॉजी भी रखता हो, इल्मे बोटेनी भी रखता हो, इल्मे तबकातुल अर्ज भी रखता हो, जब वो सारे उलूम को अपनी खोपड़ी में इकट्ठा करके जब सब चीजों को मुशाहिदा करेगा तो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा, अरे चूड़ी की खिलकत में और खजूर की खिलकत में बड़ी एकसानियत है, लगता है कि बनाने वाला एक ही आता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, ये बात इतनी आसान नहीं है जो मैंने लफ्जों में कहा, इसे आप गौर कीजिएगा और मुशाहिदा कीजिएगा। छोटी से छोटी चीज को उठाइएगा, छोटी से छोटी खिलकत और बड़ी सी बड़ी खिलकत, और जब उसके डीप निज़ाम में जाएंगे आप, डीप निज़ाम में, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं कुछ एकसानियत मिल जाएगी। एक खरगोश में, एक हाथी की खिलकत में कहीं ना कहीं अंदर से कोई एकसानियत आपको मिल जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, कहीं ना कहीं कोई एकसानियत आपको, डिफरेंट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एकसानियत होगी, ताकि एक खालिक का पता चले। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, इससे हैं इल्मे कलाम के सोते फूटते हैं। अकीमुस सलात वातुज़ ज़कात,
नमाज पढ़ो और ज़कात दो, इससे इल्म फिक्हा के सोते फूटते हैं। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, तो नमाज कैसे पढ़ा जाए, नमाज किस तरह पढ़ा जाए, नमाज क्यों कर पढ़ा जाए, इसमें कितनी रकत होंगी, कितने सजदे होंगे, पूरे एक इल्म फिक्हा का कुछ ज़िंदगी और हयात बख्श दिया। इसी तरीके से जब कुरान ने कहा ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, तुम अल्लाह के दिनों को याद रखा करो, इससे इल्म तारीख के चश्मे फूटे। कुल हया मवाकीतुन लिन्नास, और हमने हर चीज़ के लिए एक वक्त मुय्यन कर दिया है, इससे इल्मुल अवकात का पता चला। और कुल्लो शाइन खलक ना हो बेकदर, और हमने हर चीज़ को एक मकदार पर खल किया है, तो बेतहाशा होने के बावजूद भी उनकी गिनती है। समंदर का पानी कितना है, आपके लिए कितना है, मगर अल्लाह की नजर में उसकी मकदार मुय्यन है। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले, एक तराजू को उसे तौला जा चुका है। कुल्ला शाइन खलक ना हो बेकदर, इसने हमें इल्म औजान का पता दिया। शराबुन मुख्तलिफुन फी है शिफाउन लिन्नास, ये मक्खी जो मुख्तलिफ फूलों से रस चूस कर इकट्ठा करती है और फिर शहद बना कर दे देती है। शराबुन मुख्तलिफुन अलवानहु फी है शिफाउन लिन्नास, हमने इसमें इंसानियत के लिए शिफा रखी है। इससे ज़माने को इल्म अदविया दवा साजी के इल्म का पता चला कि दवाएं कैसे बनाई जाएंगी। का मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को, मुख्तलिफ तरह के केमिकल को एक जगह इकट्ठा करो और उसमें फिर कीमियाई तज्जिया और तहलील करो, एक नई चीज़ बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले, ओबरियल अकमहा वल अबरसा, और ईसा जब तुम्हारे पास कोई अंधा आए उसकी आंखों पे हाथ फेर दो, जब कोई कोढ़ी आए उसके नफ्स को थाम लो, उससे शिफा मिल जाएगी, अंधा भी ठीक हो जाएगा, कोढ़ी भी ठीक हो जाएगा। इससे इल्म तबाबत की तरफ हमारी रहनुमाई की गई। या हामान नुबन अली सरहान, और ऐ हामान फिरौन कर, ऐ हामान तू हमारे लिए एक ऐसा बुर्ज बना, एक ऐसा टावर बना कि जिस पर मैं चढ़कर मूसा के खुदा का पता लगाऊं। रोज आते हैं मूसा दरबार में और कहते हैं कि मेरा खुदा, जरा मैं भी तो देखूं कि मूसा का खुदा कौन है। एक बुलंद टावर बना, एक बुलंद बुर्ज बना जिस पर मैं सवार होकर चढ़कर मूसा के खुदा का पता लगाऊं, और बुलंद टावर बनाया गया, ऊंची इमारत बनाई गई। या हामान नुबन अली सरन, इस लफ्ज को कुरान में कैद करके हमें इल्म दिया गया कि लंबे टावर, लंबे बुर्ज, लंबी इमारतें भी बनाई जा सकती हैं, मगर यह भी इशारा दे दिया गया कि देखो अगर रहमानी इंजीनियरिंग पर बनेगा तो टावर टिकेगा, हामानी इंजीनियरिंग पर बनेगा तो उलट जाएगा। सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले, एक हवा का हल्का सा झोंका उलट देगा, उलट देगा। अफराई तुम माता हरसूना, ये जो तुम खेतों में बीज डाल कर आए हो, क्या तुम ये समझते हो कि तुम उगा रहे हो? नहीं, हल तुमने चलाया है, सिंचाई तुमने की है, बीज तुमने डाला है, मगर दाने तुमने नहीं डाले, दाने हमने डाले हैं। छठे इमाम से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा अकलमंद कौन है, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, तो छठे इमाम कहते हैं कि सबसे बड़ा बेवकूफ वो है कि जो हल न चलाए, बीज न डाले, सिंचाई न करे और मुसल्ला बिछा कर दुआ करे कि अल्लाह तू हमें खाना दे दे, अल्लाह तू हमें रोजी दे दे। का सबसे बड़ा अकलमंद कौन है? का सबसे बड़ा अकलमंद वो है कि जो पहले हल चलाए, फिर बीज डाले, फिर सिंचाई करे, फिर मुसल्ला बिछाए, हाथ उठाए और ये कहे कहे मेरा रब मेहनत करना मेरा काम था, फल देना तेरा काम है। सलावत पढ़िए मोहम्मद इमाम, कितने उलूम हैं। वले सुलेमान रीहा
गदूहा शहरुन व रवाहुआ शहरुन, और हमने सुलेमान के ताबे हवा की बिसात कर दी थी, उनके दिन की मुसाफत 6 महीने के बराबर होती थी और रात की मुसाफत 6 महीने की, सुबह में उतना सफ़र करते थे जितना आप 6 महीने में सफ़र करते हैं और शाम के वक्त उतना वो सफ़र कर लेते थे जितना आप 6 महीने में सफ़र करते हैं। अले सुलेमान रिहा गदूहा शहरुन व रवा हुआ शहरुन, क्या इससे हवाई जहाज की तरफ इशारा नहीं है? वल फुलकिल्लती तजरी बे अमरही, और ऐ नूह तुम्हें कश्ती बनाओ, कैसी कश्ती? का वो कश्ती जो सुनामी में चलेगी, बगैर ईंधन के चलेगी मगर मंजिल तक पहुंचेगी। क्या इसे जहाजरानी की तरफ, कश्ती साजी की तरफ इशारा नहीं किया गया? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इन मिन शाइन यो सब्य हो बेहमदही वल्लाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहू, दुनिया की हर शय तस्बीह परवरदिगार में मसरूफ़ है। ये माइक तस्बीह परवरदिगार कर रहा है, ये मिंबर तस्बीह परवरदिगार में मसरूफ़ है, ये फर्श तस्बीह परवरदिगार में मसरूफ़ है, ये पंखा तस्बीह परवरदिगार कर रहा। वलो आप समझे या ना समझे, ला तफ़क़हून तस्बीहहू, तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। दुनिया दो चीजों को न समझिए न समझेगी, एक तस्बीह परवरदिगार को और दूसरे शहदा के रिज़्क़ को, शोदा की हयात को और उनके रिश्त को। सलवात पढ़िए मोहम्मद इमाम। क्या इस टेप रिकॉर्डर और मेमोरी कार्ड की तरफ इशारा नहीं किया गया? जैसे किसी ने एक रिकॉर्डिंग करके एक मेमोरी कार्ड फीड कर दिया है कायनात की हर चीज में, बस वो तस्बीह किए जा रहे हैं, तस्बीह किए जा रहे हैं, तस्बीह किए जा रहे हैं। मेरे अजीजों, कुरान उलूम का सर चश्मा है, कोई ऐसा इल्म नहीं है जो कुरान से न फूटता हो और कुरान से न निकलता हो। हर रास्ता इधर से होकर जाता है, हर रास्ता इधर से निकलता है। जालना रुजूमन लिशयातीन, और जब शैतान आसमान की तरफ खबर लेने के लिए आता है तो उधर से एक आग का शोला लपकता है और वो शैतान पर हमला करता है। जालना रुजूमन लिशयातीन, और उन्हें रजम किया जाता है शैतान को आग के शोलों के जरिए। क्या इससे मिसाइल की तरफ इशारा नहीं किया गया? तरमी हिम बेहजारतिम मिन सिज्जील, और अबाबील के पंजों में फंसी हुई छोटी छोटी कंकड़ियां जब गिरती थी तो हाथियों का लश्कर फूसा बनता था। क्या इससे एटम बम की तरफ इशारा नहीं किया गया है? और फकशफनांद का गिताओ फबसर कल योमल हबीब, और जब मैं तुम्हारे आंखों से पर्दा हटाऊंगा फबसर कल योम, तुम्हारी आंख इतना तेज हो जाएगी कि अल हदीद लोहे के सीने को चाक करके देखेगी। क्या इससे एक्सरे शुआओं की तरफ इशारा नहीं है? सलावत पढ़िए मोहम्मद इमाम। क्या इससे एक्सरे दुनिया का कोई ऐसा आलम नहीं है जिसका सर चश्मा? इसलिए जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुना करो, एहतराम से सुना करो। हर इल्म का सोता इसी कुरान से फूटता है, सारे उलूम इसी कुरान से निकलते हैं। मेरे अजीजो, अल्लाह ने अंबियाए किराम को जो मुजज़े दिए थे वो सिर्फ नबूवत की अनानियत की तस्कीन के लिए नहीं दिए थे, बल्कि हमें तालीम देने के लिए दिया था कि देखो ये मुजज़ा है, मैं इस काम को मुजज़े से कर रहा हूँ यानी मुसब्बबुल असबाब के ज़रिए, लेकिन तुम चाहो तो असबाब के ज़रिए कर सकते हो। देखो ये मेरा आशा है जो मुजज़ा है, मैं इसे मारूंगा तो पुल बन जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं रास्ता दिखा दे रहा हूँ, तुम भी पुल बना सकते हो, मगर तुम्हें उसके लिए असबाब की ज़रूरत होगी, कुछ कारिंदे चाहिए, वक्त लगेंगे, मटेरियल लगेगा, पुल बन सकता है। मगर ये मुजज़े से बना है जिसमें वक्त की ज़रूरत नहीं, मटेरियल की ज़रूरत नहीं, कारिंदों की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम चाहो तो तुम भी पुल बना सकते हो। आज बड़े बड़े पुल बन गए, कई कई किलोमीटर के पुल बन गए, समंदरों में पुल बन गए, बने कि नहीं बने? तो अंबिया के मुजज़े अनानियत की तस्कीन के लिए नहीं थे, हमें तालीम देने के लिए भी थे। अरे कायनात की लैब में
एक नू बजाहिर प्रैक्टिकल कर रहे थे वसनोई फुल का ब्याह ना ना वो बहीना आए नू तुम मेरी निगाह के सामने कश्ती बनाओ कायनात की लैब एक नू प्रैक्टिकल कर रहे थे और पूरी कायनात को सबक पढ़ा रहे थे कि कैसी कश्ती बनाई जा सकती है जो पानी पर चल सकती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद इकबाल प्रैक्टिकल दो चार ही लाइन में जाकर करते हैं लेकिन पूरी कायनात को इल्म दे जाते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद इकबाल लेकिन फिर भी मुजजा मुजजा रहेगा मुजजे में और आप में फर्क होगा। मैं बहुत जल्दी अपनी मंजिल पर आ रहा हूँ। मुजजे में फर्क होगा और वो फर्क ये होगा कि मुजजा मुसब्बबुल असबाब के जरिए होता है और हम जो करते हैं वो असबाब के जरिए करते हैं। कितनों भी तरक्की कर जाएं हम उसके बराबर में आकर खड़े नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। हम बड़ी बड़ी कश्तियाँ बना लिया, जो जनाब नून ने आइडिया दिखाया था उसके मुताबिक हमने बड़ी बड़ी कश्ती बनाई, बेड़े बनाए। हम बड़ी बड़ी कश्तियाँ बना सकते हैं, बेड़े बना सकते हैं, मगर न डूबने वाली कश्तियाँ निजात नहीं बना सकते, है ना। हम फायर प्रूफ अशिया बना सकते हैं मगर आग को गुलनार नहीं बना सकते। हमारे इंजेक्शन में बड़ा दम है, वो जाते हुए काफले हयात को रोक सकती है लेकिन जनाब ईसा की तरह हाथ को दस्ते शिफा नहीं बना सकते। हमारी कीमती दवाओं में बड़ा असर है मगर हम किसी मिट्टी को खाके शिफा नहीं बना सकते। सलवात पढ़िए मोहम्मद इकबाल और कर रहे हैं। हम मिट्टी को खाके शिफा नहीं बना सकते हैं, ये उसकी मंजिल है। तो ये कुरान है, ये मौजज़ा है, बड़ा गौर से सुना करो। इज़ा क़ुरियल कुरान फ़स्तमिउ, इसलिए कि ये मौजज़ा है। इसमें एजाज़ लफ्ज़ी भी हैं, एजाज़ अददी भी हैं, एजाज़ हरफ़ी भी हैं और एजाज़ हकीकत भी है। एजाज़ लफ्ज़ी ये है कुरान का कि हर चीज़ गिना हुआ है, एकदम शुमार किया हुआ है। दिन 365 तो कुरान में लफ्ज़ यौम या याम 365 ही बार आया है। महीने 12 होते हैं, इन्ना इद्दत शहूद इंदल्लाह इसना अशरा शहरन, अल्लाह के नज़दीक रोज़े अबद से ही महीनों की तादाद 12 है। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह इसना अशरा शहरन, अल्लाह के नज़दीक अबद से ही शुरू से ही महीनों की तादाद 12 है। कुरान को झुटलाना कितना आसान था, कोई 13 महीने का कैलेंडर बना लिया जाता, कोई 11 महीने का कैलेंडर बना लिया जाता और कहा जाता कि नहीं साहब कुरान का दावा तो गलत है, महीनों की तादाद 13 होती है, महीनों की तादाद 11 होती है। यहूदी इस्लाम के दुश्मन हैं, ईसाई इस्लाम के दुश्मन हैं, मगर वो 13 महीने के कैलेंडर ना बना सके, 11 महीने के कैलेंडर ना बना सके। अहले हुनूद इस्लाम के दुश्मन हैं, मगर वो 13 महीने के कैलेंडर ना बना सके, 11 महीने के कैलेंडर, क्यों? इसलिए कि कुरान ने 12 पर मुहर लगा दी थी। कुरान ने 12 पर मुहर लगा, इन्ना इद्दत शहूर इंदल्ला इसना अशरा शहर, अल्लाह के नज़दीक महीने 12 ही है। अब उसे तुम 13 नहीं कर सकते, 11 नहीं कर सकते, तो जब अल्लाह 12 महीनों पर मुहर लगा दे तो आप 12 को 13 नहीं कर सकते। तो अगर इमामत पर मुहर लगा दे तो सलवात पढ़िए मोहम्मद इकबाल। तो महीने 12 है ना पूरे कुरान में, और महीने को अरबी में क्या कहते हैं? शहर कहते हैं, शहर है ना। हाज़ा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का ही महीना वो है। तो शहर माने महीना, शहर माने इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, हज़ार महीनों। शहर माने महीना। तो पूरे कुरान में लफ्ज़ शहर 12 मरतबा आया है पूरे कुरान में। ये कुरान का एजाज़ लफ्ज़ी है, पूरे कुरान में लफ्ज़ शहर 12 मरतबा। पीछे वालों तक आवाज़ जा रही है ना,
पूरे कुरान में लफ्ज चहर कितनी मरतबा आया? 12 मरतबा आया पूरे कुरान में। नमाज कितनी है? 5। तो पूरे कुरान में लफ्ज सलात तन्हा 5 बार आया है। और 5 नमाजों में कितनी रिकते हैं? 17। तो अकीम या अकीमू के साथ लफ्ज सलात 17 बार आया है। और वाजिब और मुस्तैब नमाज मिला करके कितनी रकत बन जाती है? 51। तो पूरे कुरान में लफ्ज कयाम के साथ सलात का लफ्ज 51 मरतबा आया है। हर रकत में कितने सजदे होते हैं? 2 सजदे होते हैं ना, तो 17 रकत में कितने सजदे होंगे? 34 सजदे होंगे। तो पूरे कुरान में सजदा और उसके मुश्तकात का जिक्र 34 मरतबा आया है। कसर में कितनी रकत नमाज होती है? कसर में 11 रकत नमाज होती है। इसलिए कि जुहर की 4-2 बन जाती है, असर की 4-2 बन जाती है, ईशा की 4-2 बन जाती है। तो कसर में 11 रकत, तो पूरे कुरान में लफ्ज कसर 11 मरतबा आया है। नहीं गौर नहीं कर रहे आप? ये एजाज कुरानी है, कुरान जब पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो। क्यों? पूरे कुरान में लफ्ज कसर 11 मरतबा आया है पूरे कुरान में। वजू में हमारे यहां 3 चीजें धोई जाती हैं और 3 चीजों पर मसा किया जाता, चेहरा और दोनों हाथ का धोना वाजिब, सर और दोनों पैर का मसा वाजिब। और बिरादरान इस्लामी के यहां क्या 5 चीजें धोई जाती हैं और 1 चीज पर मसा किया जाता है। दोनों हाथ, चेहरा और दोनों पैर धोया जाता है और सर का मसा किया जाता है। अरबी में धोने को गुस्ल कहते हैं और मसा तो जानते ही आप। तो एजाज कुरानी है कि पूरे कुरान में लफ्ज गुस्ल 3 मरतबा आया है और लफ्ज मसा 3 मरतबा आया है। अगर पैरों को भी धोना वाजिब होता तो लफ्ज गुस्ल 5 मरतबा आता और लफ्ज मसा 1 मरतबा आता। सलावत पढ़िए मोहम्मद। आप गौर कर रहे हैं? हाँ, ये तो था मुताबिकत। ये कुरान एजाज लफ्जी का खजीना, इसमें मतजाद अजदाद का भी बैलेंस है। अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड यही बोलते हैं ना, अपोजिट वर्ड का भी बड़ा बैलेंसिंग निज़ाम है। जितनी मरतबा मलाइका का जिक्र है तो मलाइका का उल्टा कौन है? शैतान। उतनी ही मरतबा शैतान का जिक्र है। 88 मरतबा मलाइका तो 88 मरतबा शैतान। नेकी का अपोजिट वर्ड कौन है? बुराई है ना, सयाद। तो नेकी को सालिहात कहते हैं और बुराई को सयाद कहते हैं। तो जितनी मरतबा लफ्ज सालिहात आया उतनी ही मरतबा लफ्ज सयाद आया। दुनिया का अपोजिट क्या है? आखिरत है ना। दुनिया का जिद क्या है? आखिरत। तो दुनिया पूरे कुरान में लफ्ज दुनिया 115 मरतबा, तो उसके मुकाबले में लफ्ज आखिरत भी 115 मरतबा। मौत की जिद क्या है? हयात। तो पूरे कुरान में 145 मरतबा हयात का जिक्र, तो 145 ही मरतबा मौत का जिक्र आया है। जितनी मरतबा कुफर का जिक्र है उतनी मरतबा ईमान का जिक्र है। जितनी मरतबा अजर का जिक्र है उतनी मरतबा फसल का जिक्र है। जितनी मरतबा नफा का जिक्र है उतनी मरतबा फसाद का जिक्र है। जितनी मरतबा जजा का जिक्र है उतनी मरतबा सजा का जिक्र है। बराबर बराबर गिनती में आना यह बताता है कि ये एक दूसरे की जिदे हैं। नहीं गौर नहीं कर रहे आप? बराबर बराबर आना यह बताता है कि एक दूसरे की जिदें हैं। जितनी मर्तबा दुनिया का जिक्र उतनी मर्तबा आखरत का जिक्र। इसने बताया कि दुनिया की जिद आखरत है,
जितनी मर्तबा मौत का जिक्र उतनी मर्तबा हयात का जिक्र। इसने बताया कि मौत की जिद हयात है और हयात की जिद मौत है। गौर कर रहे हैं, जितनी मर्तबा कुफर का जिक्र उतनी मर्तबा ईमान का जिक्र। तो इस जिद ने बराबर बराबर गिनती ने बताया कि कुफर की जिद ईमान है और ईमान की जिद कुफर है। तो आप याद रखिए, पूरे कुरान में 367 मर्तबा लफ्ज़े बशरियत आया है और 367 ही मर्तबा लफ्ज़े रिसालत आया है। मैंने बड़ी कीमती बात कह दिया, पूरे कुरान में 367 मर्तबा लफ्ज़े बशरियत है और 367 मर्तबा लफ्ज़े रिसालत है। रिसालत और बशरियत का बराबर बराबर तादाद में आना यह इस बात का सबूत है कि रिसालत की जिद बशरियत है और बशरियत की जिद रिसालत है। यानी जो रसूल है वो बशर नहीं है और जो बशर है वो रसूल नहीं है। सलावत पढ़िए नाम। कुरान है, इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ, ये कुरान है, जब इसे पढ़ा जाए तो पूरी तवज्जो से सुना करो। इसलिए कि ये खालिक का मोजज़ा है, उलूम व फ़नून का सरचश्मा है, कमज़ोर से कमज़ोर दिमाग के लिए भी ये काजल है। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजीद के सूरे मुतस्सिर में एक आयत है, अलैहा तीस आता अशर। हर कीमती चीज का एक पासवर्ड होता है ना, एक इंटरलॉकिंग निजाम होता है हर कीमती चीज का। इसलिए कि अगर इंटरलॉकिंग निजाम नहीं होगा, पासवर्ड नहीं होगा, तो कोई भी छेड़छाड़ कर देगा, कोई भी घुसपैठ कर देगा उसके अंदर, कर देगा ना। पूरी तवज्जो के साथ मजलिस को मैं तमाम कर रहा हूँ, इस आखिरी पैगाम को अपने जहनों में बैठा लें ताकि बच्चों के जहन में अजमत कुरान मुसल्लम हो। हम कुरान से बहुत दूर हो रहे हैं और क़यामत के दिन हुजूर शिकायत करेंगे, क़ाल रसूल, रसूल कहेंगे क़यामत के दिन, सूरह फ़ुरक़ान की आयत है कि अल्लाह मेरी उम्मत ने कुरान को महजूरा तनह छोड़ दिया था, है ना। बैठा हर चीज़ का, हर कीमती चीज़ का एक इंटरलॉकिंग निज़ाम होता है ना, एक हिफाजी। आप मोबाइल रखे हुए हैं तो लॉक करके रखते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? ताकि आयरा गैरा उसको छेड़छाड़ ना कर सके। आपने जो डाटा उसमें इकट्ठा किया है कोई उसको चोरी ना कर ले, कोई उसमें अजाफा ना कर दे, है ना, पासवर्ड निज़ाम। तो आप छोटी सी खोपड़ी रख करके इतना सोच लेते हैं, और अल्लाह अलीम और हकीम होने के बाद भी नहीं जानता था कि कोई वसीम रिजवी पैदा होने वाला है। अल्लाह को पता नहीं था कि कोई वसीम रिजवी आएगा और कहेगा कितनी आयतें गलत इन्हें निकाल दिया जाए, ये कर दिया जाए। क्या उसने इसका कोई इंतजाम नहीं किया होगा? क्या उसका भी इंतजाम कुरान ने किया है? सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले। हमें उसी की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूं। कुरान मजीद का अफरोज इमाम हैदरी साहब, माशाल्लाह ये मैं एक रिसर्च है और जो कुरान की अजमत को हमारी नज़रों में और भी बुलंद करती है। कुरान सूरह मुदस्सिर की आयत है, वो अलैहा तीस आतून आशा, और हमने इस पर 19 निगहबान मुय्यन किए हैं। 19 निगहबान, बुजुर्ग हजरात आप तक बात पहुंच रही है ना, 19 निगहबान। अलैहा सूरह मुदस्सिर की आयत है, अलैहा तीस आता आशर, हमने उस पर 19 निगहबान मुय्यन किए हैं। दुनिया हैरत में थी कि 19 का इलाही निज़ाम से क्या लेना देना, 19 की आदत का क्या लेना देना, जो कुरान कह रहा है कि हमने इस पर 19 निगहबान मुय्यन फरमाए हैं, 19 का क्या रिश्ता है, क्या लेना देना। लेकिन जब साइंस ने तरक्की किया
जदीद कंप्यूटर सामने आए तब पता चला कि अरे ये 19 जो है ये कुरान का इंटरलॉकिंग निजाम है और कुरान का हिफाजती सिस्टम है ये 19। आप पूछें कैसे? कुरान की सबसे पहली आयत कौन है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का सबसे पहला लफ्ज कौन है? इस्म। पूरे कुरान में इस्म 19 मरतबा आया है। कितनी मरतबा आया है? 19 मरतबा। और दूसरा लफ्ज कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अल्लाह। पूरे कुरान में लफ्ज अल्लाह 2698 मरतबा आया है। अब 19 से आप 2698 को तकसीम करके देखिए, ज़र्ब दे के देखिए, डिवाइड करके देखिए, ये तकसीम हो रहा कि नहीं? 19 गैर मुनकसिम है लेकिन 2698 19 से कट रहा है कि नहीं? कट जाएगा, 19 से कट जाएगा। आप देख लेंगे इंशाल्लाह, मोबाइल आपके हाथों में, 2698 19 से कटेगा। और अर्रहमान 57 मरतबा आया है पूरे कुरान में। 57 19 से कटेगा कि नहीं? 19 या 57। और अर्रहीम 114 मरतबा आया है। अर्रहीम 19 से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, है ना? 19 से 114। तो अगर 114 के बजाय कोई एक रहीम बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा कुरान में रहीम? 115। 19 से कटेगा? कोई एक रहीम निकाल ले तो कितना बच जाएगा रहीम? 113। 19 से कटेगा? नहीं कटेगा। रहमान का लफ्ज 57 मरतबा आया है, कोई एक बढ़ा दे उसमें 58 हो जाएगा। 19 से कटेगा? नहीं कटेगा। कोई एक रहमान का लफ्ज कुरान से निकाल ले तो क्या 19 से वो कटेगा? 19 से नहीं कटेगा। 19 वो हिफाजती निजाम है या वो मीजान है जिस पर कुरान के हरूफ तौले जाते हैं। अगर कोई एक निकाल लेगा तब भी पता चल जाएगा, एक बढ़ा देगा तब भी पता चल जाएगा। अरे नहीं, गौर नहीं किया आपने मेरे अजीजो, मेरे भाई, गौर नहीं किया। कुरान में कितने सूरे हैं? कुरान में कितनी मरतबा बिस्मिल्लाह आया है? हर सूरे के शुरू में 113 मरतबा बिस्मिल्लाह हर सूरे के शुरू में आया है। ये 19 से तकसीम होगा 113? नहीं तकसीम होगा ना। तो ये मीजान कायम रहे, ये तराजू काम करता रहे, इसलिए एक सूरे में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह लाकर 114 मुकम्मल किया ताकि 19 के मीजान पर मुकम्मल आ जाए। 19 के मीजान पर नहीं गौर किया। कुरान मजीद का पहला सूरा नुज़ूल के एतबार से है सूरह इकरा, उसमें 19 लफ्ज हैं और 76 हरूफ हैं जो 19 से कट जाते हैं। और कुरान का आखिरी सूरा है नुज़ूल के एतबार से सूरह वन्नसर, इदा जा नसरुल्लाह, इसमें भी 19 ही लफ्ज हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। नहीं नहीं गौर किया आपने। कुरान ने अपने इस इंटरलॉकिंग निजाम का इतना ख्याल रखा है, इतना ख्याल रखा है, चूंकि हकीम मुतलक को पता था कि जब मैं इसे मोजज़ा बनाकर भेज रहा हूं तो शैतान सिफत हर जमाने में इसको टक्कर देने के लिए आएंगे, लिहाजा इसका एक हिफाजती इंतजाम कर दिया जाए, इसका निजाम तैयार रहे। आप देखेंगे कि पूरे कुरान में लफ्ज, जब भी हजरत लूत का तस्करा हुआ तो कौम लूत आया। कौन सा लफ्ज आया? बोलिए ना मेरे साथ, बोल दीजिए कौन सा लफ्ज आया? कौम लूत, कौम लूत। लेकिन सूरह काफ में कौम लूत नहीं आया, इख्वान लूत आया। कौम लूत का लफ्ज, इख्वान लूत का लफ्ज आया। क्यों आया इख्वान लूत का लफ्ज? कहा कि अगर यहां पर इख्वान की जगह
कौम लूत ही आता तो पूरे सूरे काफ में एक काफ का अजाफा हो जाता। नहीं, आप गौर नहीं कर रहे हैं, गौर नहीं कर रहे मेरे अजीजो। आप जानते हैं ना जो हरूफ मुकत्तात आते हैं कुरान में, तो जो हरूफ मुकत्तात होता है तो हर हर्फ जितने अल्फाज उस सूरे में इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा तादाद हरूफ मुकत्तात की होगी। तो अगर सूरा शुरू हो रहा है काफ से तो पूरे उस सूरे में लफ्ज काफ का गलबा होगा, यानी काफ ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ होगा। तो अगर यहां पर इख्वान लूत की जगह पर कौम लूत आ जाता तो जब उस सूरे में हम लफ्ज काफ की गिनती करते तो एक काफ बन जाता जो 19 से डिवाइड नहीं होता, 19 से तकसीम नहीं होता। लिहाजा अल्लाह ने कौम लूत को हटाकर इख्वान लूत रख दिया ताकि हिफाजती निजाम काम करता रहे। सलावत पढ़िए मोहम्मद इब्राहिम। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों और मेरे साथियों, इज़ा कुरियल कुरान फ़स्तमिऊ वक्त तमाम हो गया और मैंने भी अपनी बात मुकम्मल की। जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो, इसलिए कि यही वो कलाम है कि जो एकदम खालिस है, कोई मिलावट नहीं है। दुनिया भर के वसीम रिजवियों का इसमें इंतजाम कर दिया गया है। हमें ना घबराने की जरूरत है ना डरने की जरूरत है। ये कुरान है, कुरान ये खुद अपनी हिफाजत करना जानता है। अच्छे जाए कि ये खुद भी मजबूत है और उसके बाद मजबूत निगरा भी अल्लाह ने रखा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद इब्राहिम। बात कह रहा हूं मैं जिस तमाम है मुसाहब के दो जुमले। एक छोटा सा मजलिस का इश्तहार, कितना बड़ा बनता है ना। अब कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो तबड़ा बना देता है, बना इतना बड़ा बने चाहे इतना बड़ा बने इश्तहार। एक मरतबा प्रूफ किया, दो मरतबा प्रूफ किया, तीन मरतबा प्रूफ किया और उसके बाद फाइनल छप करके बाहर दीवार पर लग गया। थोड़ी देर के बाद फोन आ रहा, क्या भाई प्रूफ वरूफ नहीं किया था? क्या हो भैया? कहा भाई से ऐसी गलती इसमें है कि बहुत शर्म आ रही देखते हुए। कहा नहीं, तीन मरतबा प्रूफ किया है। कहा फिर? कहा एकदम से कयामत वाली गलती है। देखा आपने, प्रूफ करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। एक छोटा सा इश्तहार भी हम इतने प्रूफ के बाद निकालते हैं, उसके बाद भी उसमें गलती, एक नुक्ता ही सही छूटे, एक जबर ही सही छूटे, एक कौमा ही सही छूटे, मगर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ये कुरान दुनिया भर के प्रेस में छप रहा है, जहाँ के लोग अरबी जानते भी नहीं हैं। यह बांग्लादेश में छप रहा है, श्रीलंका में छप रहा है, अफ्रीका में छप रहा है, अमेरिका में छप रहा है, इंग्लैंड में छप रहा है, अरब में छप रहा है, ईरान में छप रहा है, हिंदुस्तान में छप रहा है, मगर कोई बताए कि किसी कुरान में उसने कोई जेर जबर, कोई हर्फ और पेश कम पाया हो या ज्यादा पाया हो? का एकदम नहीं, कोई कमी नहीं, कोई ज्यादती नहीं। चाहे वो चाइना में छपे या श्रीलंका में, चाहे अरब में, एकदम प्रूफ एग्जैक्ट होता तो भाई कौन प्रूफ कर रहा है? का अगर हम कर रहे हैं तो हम तो ऐसे नालायक हैं जो एक पेज का प्रूफ नहीं कर सकते। एक पेज का प्रूफ करने की अहलियत नहीं रखते। इतने बड़े कुरान का सही सालिम प्रूफ कैसे कर रहे हैं? का खुशफहमी में न रहिए, ये हमारे प्रूफ का कमाल नहीं है। कोई पसे पर्दे गैब से इसका प्रूफ कर रहा है और कोई दस्ते कुदरत इसकी निगरानी कर रही है। सलावत पढ़िए मोहम्मद इब्राहिम।
हक बनता है कि हम सबसे ज़्यादा कुरान को समझें और कुरान को पढ़ें, इसलिए कि करबला के दस्तरखान पर हम बैठे हुए हैं। दावा हमारा ये है कि दस्तरखान करबला हमारा है। तो आप जानते हैं ये मुसाहिब है, इसी को मुसाहिब समझ लीजिए आप। करबला का आगाज़ कहाँ से हुआ और करबला का अंजाम कहाँ पर है? तो आगाज़ करबला यह है कि दरबार से कारिंदा चला है इमाम हुसैन को बुलाने के लिए, दरबार में तलब किया गया। मस्जिद नबी में आया, पता चला कि मस्जिद नबी में हुसैन है। आया तो क्या देखा कि हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं ना आप लोग, सुनते भी होंगे हुसैन कुरान पढ़ो। उसने खबर दिया कि आपको दरबार में बुलाया गया। आपने कुरान बंद किया, लबों से चूमा, बोसा दिया और उसके बाद उठे और अपने घर तशरीफ़ लाए, बीबी ज़ैनब को खबर दिया। यह है आगाज़ करबला। और अंजाम करबला क्या कि जब सब शहीद हो गए, सबके लाशों को इकट्ठा किया गया, सर को तंत्र जुदा किया गया और सबके सरों को नोक नज़ा पर बुलंद किया गया। जबकि सबके सर नोक नज़ा पर बुलंद हो गए तो अचानक से हुसैन इब्ने अली के सर से तिलावत कलाम पाक का आगाज़ हो गया और सूरह कहफ़ की तिलावत होने लगी। तो यह आगाज़ करबला है, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, और यह अंजाम करबला है, नोक नज़ा पर हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। ऐ करबला को अपना दस्तरखान कहने वालों, हुसैन ने करबला का आगाज़ भी कुरान से किया है और करबला का इख्तिताम भी कुरान पर किया है। तुम कुरान से कैसे गाफिल रह सकते हो? अपने आप को आयत कुरानी से मुरस्सा कर लो और अपने आप को कुरान से करीब कर लो ताकि तुम्हें हुसैन और हुसैनियत समझ में आ जाए। हम दो दो मरहुमा की याद में ये मजलिस मुनक़िद की गई है। अजीज़ो दो दो मरहुमा की याद में ये मजलिस मुनक़िद की गई है। दो ख़वातीन और दोनों आज़ादार शहदाई अहले बैत, बीबी फातिमा की चाहने वाली। लेकिन अजीज़ो बड़ा मुकाम था, बड़ा मर्तबा था ये दो ख़वातीन का, लेकिन ज़रा अपनी ख़वातीन को भी सामने रखिए और उसके बाद कभी फातिमा का मुसाहिब याद कीजिए, कभी उम्मुल मरीन को याद कीजिए और कभी जनाब ज़ैनब को याद कीजिए, तो खुद ब खुद आपको एहसास हो जाएगा कि हमें अपनी ख़वातीन पर नहीं रोना है, हमें रोना है तो फातिमा के मुसाहिब पर रोना है, हमें रोना है तो उम्मे लैला के मुसाहिब पर रोना है, हमें रोना है तो उम्मुल मरीन के मुसाहिब पर रोना है, हमें रोना है तो ज़ैनब के मुसाहिब पर रोना है जो अपने बेटे पर नहीं रोई और कहती थी कि मैं अपने भाई पर हूँ या उस पर हूँ जिसे चकिया पीस के पाला, या अपने बेटों पर रहूंगी। मजलिस तमाम हो रही है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और मेरे साथियों, बस दो कतरे अश्क रुमाले जहरा के हवाले कर दीजिए। रोजाना अब्दुल्लाह इब्ने जाफर, बड़ा नाम है ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। जनाब इब्राहिम के जो शौहर हैं, जनाब अब्दुल्लाह, कोई छोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम है ये कि इमाम बुखारी ने किताबुल मनाकिब में अलग से एक चैप्टर कायम किया जनाब अब्दुल्लाह के लिए, और जनाब मुस्लिम ने भी, इमाम मुस्लिम शरीफ में भी, इतना बड़ा नाम है यार आपका। रोज आते हैं अब्दुल्लाह इब्ने जाफर चौथे इमाम के पहलू में बैठे, सर झुकाकर कुछ देर बैठे रहते हैं और उसके बाद सलाम करके चले जाते हैं। आज जब आए, कुछ देर सर झुकाए बैठे रहे, उसके बाद बड़ी हिम्मत करके कहा, आबिद बीमार, इजाजत है मैं कुछ कहूं? कहा कि हाँ क्यों नहीं, आपको भला इजाजत लेने की क्या जरूरत है? कहो कि शहजादी से कहना, मुमकिन हो आबिद बीमार तो मेरा पैगाम शहजादी को देना और कहना
कि अब्दुल्लाह इब्न जाफर रोज आते हैं और बैठ कर चले जाते, हिम्मत नहीं होती कि वो आपसे बात करें। उन्होंने पैगाम दिया है कि घर में बड़ा सन्नाटा। अब्दुल्लाह इब्न जाफर चले गए। चौथे इमाम हाथ जोड़े हुए आए, इमाम हुसैन की बहन जनाबे ज़ैनब के पास, और कहते हैं कि आपके शौहर अब्दुल्लाह इब्न जाफर रोज आते हैं मगर शर्म के मारे हया की वजह से कुछ कह नहीं पाते। बड़ी हिम्मत करके आज कहा है कि मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा कि घर में बहुत सन्नाटा है। शहजादी कहती है बेटा अब्दुल्ला को पैगाम भिजवा दो, कल मैं अपने घर जरूर जाऊंगी। पैगाम पहुंच गया, अब्दुल्ला ने बड़ा सुकून महसूस किया कि कल शहजादी आएगी, लिहाजा खुशी खुशी जरा पहले ही नींद टूट गई, फजर की अजान से पहले ही नींद टूटी। जल्दी से उठे, मस्जिद नबी पहुंचे, नमाज अदा किया और खुशी खुशी पलटे कि आज शहजादी का दीदार नसीब होगा। जब घर में दाखिल हुए तो क्या देखा कि एक ज़ईफ़ा घर में झाड़ू लगा रही है, घर की सफाई कर रही है। सीधे खड़े हुए और कहते हैं खातून तू कौन है जो सुबह सुबह नौसत फैला रही, तुझे पता नहीं है कि आज मेरी शहजादी घर आने वाली है, जल्दी यहाँ से चली जा। सर उठाया ज़ैनब ने, ए अब्दुल्ला अब ये दिन आ गया कि तुम भी मुझे नहीं पहचान पाए। अरे आप ज़ैनब हैं, मैं कैसे पहचानूं, आपके बाल सफेद हो गए, आपकी कमर खमीदा हो गई, बताओ तुम मुझे क्यों याद करते थे। कई इसीलिए याद करते थे ना, तुम ये जानना चाहते थे कि मेरे लाल और मोहम्मद क्या हुए। कहा नहीं नहीं शहजादी माफ कीजिएगा, उनका क्या तस्करा, वो तो मेरे गुलाम थे, वो तो हुसैन के गुलाम थे, गुलाम सदका हो गए, उनकी कोई बात नहीं। कब फिर क्या जानना चाहते थे। कब मैं ये जानना चाहता था कि हुसैन बड़े शुजा थे, बड़े बहादुर थे। मैं ये जानना चाहता था कि मेरा भाई कैसे जंग लड़ा, ये सुनना था कि ज़ैनब ने सर पीटा। अरे इसी बात की तू हसरत है। अली अकबर लड़ रहे थे, अब्बास दाद दे रहे थे, अब्बास मैदान में गए, हुसैन दाद दे रहे थे, लेकिन हाय मेरा भैया जब मैदान में तलवार चला रहा था तो कभी अली अकबर को आवाज देता था, कभी कासिम को आवाज, लेकिन हाय रे गुर्दा मेरे भैया की जंग कोई नहीं। अलानतुल्लाह अला कौम। एक मरतबा सूरह अलहम्द, तीन मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर फिरोजा खातून बिनत गुलाम हुसैन मरहूम और ज़ेबा फातिमा बिनत सईद असरार हुसैन मरहूम के साथ। परवरदिगार आलम इस मुख्तसर से ज़िक्र को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, कुरान सुनने की और कुरान समझने की तौफीक अता फरमा ले। अल्लाह तो हमारे दिलों को तकवे से भर दे। अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को हर तरह की बुराई और मुहर्रमात से महफूज फरमा ले। अल्लाह तो हम सबको अपने सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा ले। अल्लाह हम में से जो कमज़ोर रिस्क रखते हैं खुदावंद आलम तू उसे अब गैब के ख़जाने से उनके रिस्क को कुछ दे दे। परवरदिगार आलम जो मकरूज हैं तो गनी है अपने इस्मे आज़म गनी के तुफैल, उनके कर्ज़ों को अदायगी के सबील फराम फरमा। जो हज व ज़ियारत का शौक़ रखते हैं खुदाया तू ने हज व ज़ियारत के सबील अता फरमा दे, और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हम सबको उनके आबान अंसार में शुमार फरमा।